माना तू इतना बड़ा पर आज पहली बार देख रहा हूँ, बहुत बकवास की तुझे समझ में आ रही है क्या करने वाले हैं हम लोग? मेरा मेडिकल स्टोर यही वाला है। हाँ यही वाला है। चलो यहाँ से लेनी है एक कॉटन और एक पट्टी। हाँ कुछ दवाई टाइप का तो कुछ होगा आपके पास? है, सावलोन है। हाँ बस ठीक है, फिर एक दवाई और। यार क्यों फेंक वाला? चलो हाय हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये है पूरा का पूरा प्रैंक जो कि हम ऋषि के ऊपर करने वाले हैं। मैं नहीं हूं इसमें। और देखो ये पता है, ये लोग वगैरह ना प्रैंक बहुत टाइम से ऐसा बोल रहे थे कि कुछ हाथ टूटने का या पैर टूटने का ऐसा कुछ प्रैंक करो, और आज एकदम से हिट किया हमारे। मौका भी है, दस्तूर भी, क्योंकि खेल कर आए। चलो और बनाते हैं। क्या करेंगे? बता दिया उसने, बता दिया। पट्टी लगाते ना हाथ पर, और एक कुछ अपन है ना बॉटल लेते हैं और बैंडेज जो लगता है। अच्छा ठीक है भाई, एक कॉटन दे दो जो हाथ पे लगा सके, चोट लगी थी ना हाथ पे लगाने के लिए, और उसके ऊपर बैंडेज लगाना। यार भैया आपको पता है ये लोग क्या करने वाले हैं? ये पागल बनाने वाले हैं, लोग प्रैंक कर रहे हैं। ये आ गया है सेटलमेंट, अब भाई करेंगे मेरा ट्रीटमेंट। भाई करेंगे, आप भाई बनेंगे डॉक्टर। अरे यार यही तो कर रहा, वही जाकर सीधे भाई। टीपू भाई किससे बात कर रहे हो? किससे? ओ मुझे लगा तुम यशी से बात तो नहीं कर रहे। भाई सुनो टीपू भाई, आप हमारे साथ हो प्रैंक में, अब यशी के ऊपर प्रैंक होने वाले। देखो हम जैसे प्रैंक करेंगे तुम्हारे पास तुरंत फोन आएगा उसका। अच्छा मैं बोल दूंगा, मेरे को मना कर रखा था बताने के लिए, नहीं तो निकल चुके होते। क्या बात है चीते, और ऐसे बोलेगी कल सुबह आ रहे हैं। हाँ डन डन। अभी ना ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम क्या बता रहे हैं कि मेरे बैटिंग करते वक्त लग गई बॉल से यहाँ फील्डिंग पे, बोलेगा ज्यादा अच्छा लगेगा। हम मतलब एक तरीके से गेम में लगे ऐसे बोलना, बैटिंग फील्डिंग इतना उसको पता ही डिटेल में भी नहीं बोलना। हाँ इतना डिटेल में नहीं बताना कि मेरे आईब्रो पे बॉल लग गई और ये फट गया, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉर्मल सी चीज़ें, लेदर बॉल से खेल रहे थे, बता देंगे भाई लेदर बॉल से खेल रहे थे, उसको डर वैसे लगता है। वो बॉल आई ऊपर से और डर गया वो इतना कि उसने हाथ से भिड़ के उसके यहाँ सर पे लगी और उसके आईब्रो पे कट लग गया। बाकी का माहौल जो बनाना है, आंख पे स्वेलिंग आ रही है थोड़ी सी, अभी वो रेस्ट कर रहा है। यहाँ लगना चाहिए आईब्रो के ऊपर, ठीक है आईब्रो के ऊपर। मैं कितनी बड़ी डॉक्टर से इलाज चल रहा है इसका, देखते रहो। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम मैं डॉक्टर के सपने देख रही थी, डॉक्टर के सपने के डॉक्टर से शादी हो जाए। तू डॉक्टर बनने के सपने देख रही थी? पता चला कि मैं पढ़ाई करती नहीं थी तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर बनना क्यों था तुझे? क्योंकि मुझे वो उसका उनका कोट अच्छा लगता है व्हाइट कलर का, और वो जो जिसको क्या बोलते हैं मुझे आज मेरा सपना पूरा होना है, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता था। ये नहीं नीतू, नीतू ये सर्किल सैवलॉन लाओ, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ सैवलॉन लिया। क्या बात है डॉक्टर साहब, तो हमारी वना भी डॉक्टर ये सैवलॉन लेके। अरे ये क्या कर रही है? कलर दिखाना है। अरे चोट दिखा रही है, वो तो पट्टी से ढक जाएगी ना यार, कॉटन से। ये तो ये दिख जाएगा भाई, अब ये तो बता इसके ऊपर पट्टी लगेगी, इसका क्या फायदा बनी? तो आईब्रो पे लग रही है, ठीक फिट है तेरी? तो आंख भी ऐसी लग रही है, स्वेलिंग आ रही हो सुबह सही में? इसीलिए आप लोगों से यार मेरी गुजारिश है, जब भी आपको हार्ड वर्किंग, जब भी आपको इतना हार्ड वर्किंग लड़का देखे तो तुरंत आप मुझे फॉलो कर लेना। ये टूने टूल्स तो इतने, अबे तो दांत से कट जाएगा, ये तो फट जाएगी वैसे ही। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब वो देख तूने वो का लगाया है सेवलन ऊपर लग रहा है उसके सर पे। आईब्रो वगैरह मत काट देना, आईब्रो पे तो सेवलन है ही नहीं। कोई ये कैचियर को साइड में, मैं काट लूंगा, भरोसा रखो मैं डॉक्टर हूं। हां भाई बिल्कुल उदास सा हो जाओ, और एक्टिंग करके कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यार ऐसे करके, है ना नीतू? नीतू जिस हिसाब से तूने लगाया, देख सुन डॉक्टर ने तेरे बालों तक भी लगा दी सूरज, देख अब वो समझ जाएगी कि कितने जाहिल डॉक्टर के पास लेकर गए। देखियो प्याज काट दो, देख तो ले, देख देख बालों पे लग रहा है डॉक्टर, देख जब यशी ये व्लॉग देखेगी ना, वो करने दो ब्लेंड। ब्लेंड नहीं, तू जब यशी व्लॉग देखेगी ना तो सूरज पे तो कम गुस्सा होगी, तेरे पे ज्यादा होगी। हाँ हाँ ब्लू ब्लू कर दूँ यार, रियल लगेगा। एक काम कर तू, इसको पिंक बना चोट, जैसे तूने उस दिन पिंक हेलमेट मांगा था ना। मैं ना देख, एक तो तू आई नहीं, ऊपर से तू सूरज को जल्दी बुलाया जा रही है। तेरे को पता होना चाहिए कल इसकी कितनी सुताई करी है मैंने। और सुन इसने इसने गलत करा दूसरे के साथ, भगवान ने इसको इंस्टेंट फल दिया है।
भाई के बोल लग गई आज वहाँ अब इसके लगी आँख पे गधे के हीरो बनना था बहुत मतलब आँख के ऊपर जहाँ आईब्रो होती है उधर ब्लीडिंग भी हुई थी यार लगी तो तेज हुई हल्की सी स्वेलिंग हुई स्वेलिंग तो कम होगी इसकी अब लेकिन वो लगा हुआ है इसके ना मैं वो लगवा के आ गया वहीं फर्स्ट एड मिली है डॉक्टर वगैरह सब होते हैं वहाँ पे खेलते टाइम कट लग गया था छोटा सा बहन ऐसा नहीं है मतलब लेकिन लगी तेज थी उसके कट्स लग गए थे ना वहाँ तो ब्लीडिंग हो रही थी तो वो तभी वो बैंडेज वगैरह सब लगा दिया डॉक्टर ने मैं इसको इसीलिए अभी तो बोल रहा हूँ ये रेशी अगर कोई काम ना हो तो इसको मैं रोक लूंगी मतलब सुबह भेज दूंगा थोड़ी ना स्वेलिंग कम हो जाएगी इसकी वो आँख की है ना तेरे को पता नहीं था क्या ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही है मुझे नहीं पता अच्छा मुझे लगा टीपू मैंने बता दिया बहना तेरी कसम पट्टी बन रही है उसके तेरी कसम मम्मी कसम उसके पट्टी बन रही है अरे यार खेलते वो खेलता नहीं ना तो मुझे क्या पता मुझे लगा तेरे को पता होगा टीपू भाई ने बता दिया होगा मैं उसको लेके यहीं था अपने घर पर ही उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा हूँ जब से मतलब कोई काम तो नहीं अर्जेंट उसने रट लगाई हुई है बहन अपने आप कॉल करियो सुन उसको कॉल करियो मुझे नहीं पता था तेरे को नहीं पता वो फिर कहेगा कि आपने बता दिया मैंने नॉर्मली कॉल करियो मेरा नाम मत लियो यार देखे जी नहीं नहीं मेरा नाम मत लियो पहले सच भी यार देख लियो मतलब है ना भाई मैंने जब मम्मी कसम खाई ना पट्टी तो लगी रही है मम्मी कसम पट्टी लग गई फिर वो सीरियस हो गई यशी ने टीपू भाई को कॉल किया ऑडियो जी मैं ये लखन भैया की घर अच्छा आपका मैच वगैरह हो गया हाँ मैच तो दी सुबह ही हो गया था कैसा रहा जी ठीक था मतलब वो ऐसे सही है था कोई परेशानी तो की थी नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ बस वो सुबह भैया के हल्के से वो लग गई हुई तो वो इसलिए थोड़ा लेट हो गए कैसे लगती वो ऐसे वो कैच कर रहे थे तो वो सर पे थोड़ी सी ऐसी तो वो लखन भैया इसलिए दी अब मतलब सूरज भी पता नहीं था ना कि दी ज्यादा लगी मतलब लगी तो ऐसे हल्की सी है कट लगा है अब वो गए हुए थे लखन भैया के साथ अभी आए मैंने देखा पट्टी मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया अभी देखो जिस तरह तू खुशी से बैठा ना नीतू यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसको यार हर्ट तो नहीं कर रहे चार पाँच घंटे परेशान रहेगी वो गुची को लग रहा है सूरज के सच में लग गया उसको चाट चाट के प्यार कर रहा है मेरे को डिसलेक्सी है मुझे दिखती नहीं है बॉल अच्छी बात है तुझे डिसलेक्सी है पास कर रहा है तो बताता बड़ी है अच्छा मैं आ रहा हूँ अभी बैठ के बात कर लेंगे अपन वैसे टीपू भाई ड्राइव करने वाले हैं वैसे तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो मैं थोड़ा सा ही ड्राइव करने वाला हूँ हाँ क्योंकि रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि हाँ वही ना थोड़ी स्वेलिंग आ गई इस आँख में तो अजीब सा लग रहा है तो इसलिए टीपू भाई कर लेंगे ड्राइव अब इसको पूरा यकीन हो चुका है अरे लेकिन एक बात तो सुन गधे ये दिखाएगा कैसे ये जो अरे यार इसको पकड़ने ये क्यों मेरे पे अटैक करता रहता पूरे टाइम यार ये कहां से लाई इसको वापस छोड़ के ये लगा के जाऊंगा वहां पर अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना मेरी बात सुन ऐसे नहीं होता सुन सुन फिर मैं लगा दूंगा नीचे अच्छा नीचे लगा दूंगा तो एक काम करना ये टेप लेके जा चल भाई अब मैं निकलता हूं चल क्योंकि काफी लेट हो रहा है साथ ऑलरेडी बच चुके हैं 12 बजे तक पहुंच मुझे पता है भाई आज अगर तेरा ये नहीं होता मैं तेरे को जाने देता सच में यो ये प्रैंक है गाइस अब निकलते हैं क्या कर रहे हो अरे राम भैया ये थोड़ी सी लगी है और इसमें ड्राइव भी करके आ गए हैं क्या और तूने मेरे को बोला कि जरा सी लगी है अरे जरा सी लगी है वो और इसमें आप ड्राइव भी करा है ड्राइव करके आए ड्राइव होकर के हेलो टीपू भैया यहाँ पे तो ज्यादा लग गई यार बहुत ज्यादा ज्यादा लग गई यार वो बॉल यही लगती है ना तेरे ये करूँगा तू गया क्यों मेरे बिना है तेरे बिना जाती नहीं काम नहीं होगा आजा टीपू बेवकूफ आदमी ऐसे कैसे क्या कर रहा था कैच पकड़ रहा था क्या कर रहा था कैच पकड़ रहे थे टूटे फूटे आए हो यार भैया लगेंगे लगभग पूरा ठीक होने डॉक्टर क्या बोला पता नहीं यार तुमने बोला नहीं बोला ठीक हो जाएगा अगली बार से देखो साथ में लेके जाऊंगा मुंह सो जाके लकी हूँ मैं मेरा लक साथ में नहीं है यार
लगने के बाद पता क्या चेक चोरी खेलते हैं दीदी आप केक टेयर करने तू पानी वानी पिलाओ डांटने लग गए जब तक तुम्हारे कभी लगे ही नहीं तो तुम सीख नहीं सकते ना जीवन में आज वो सीख गया ना अब क्या सीखा कि कह चाहे हट जाओ पकड़ना नहीं प्रैंक तो नहीं करना नहीं 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 ये प्रैंक कर रहे हैं और मैं बोला भी था ये प्रैंक कर रहे हैं पता था ये प्रैंक अरे यार अरे तोड़ दे अरे तोड़ दे अरे यार शिट अरे आंखें कैसे लाल करी इसने दीदी आप लिपस्टिक भी पहचान सके हो जाएगा उसको सर दर्द होगा ये होगा इन्होंने तो मसाज तो प्रैंक करते हमको तो बताते हमको भी नहीं बताते इस बात को ये तो मजाक में भी नहीं उठता बहुत ही बकवास बात है दीदी थोड़ी सी लग गई फोन पे क्या बोल रही और लखन भैया अरे कसम भाई रहना तेरी कसम आपकी कसम पट्टी लगी हुई है और पट्टी में लगा दी थी कसम तो सही कितने कितने बेकार हो अरे भैया को भी झूठ बोलना सिखा दिया प्रैंक तो ठीक है ये कैसे हुआ ये कुछ नहीं लग रहा कुछ नहीं लग रहा दिमाग खराब कर दिया भैया भैया नाटक कर रहा है सही में कुछ दिन हाथ में तू बोलो अच्छा को बनवा के आ जाएगा हम तो समझ जाएंगे प्रैंक करो देख के पीटर पता सही में उठ रखा है आंख लग गई थी गलती से भैया अब सो जाओ नहीं सोएंगे हम कुछ खिलाएंगे आप सोएंगे लो चलो गाइस एंड अब आप इनको पिटते हुए देखोगे आज ये व्लॉग एंड होने के बाद एक और चीज एंड होगी चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंजॉय किया होगा इससे सब कैचअप करते रहना मिलते हैं कल बाय